जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ भीख पे चल रहा है और इस भीख के पीछे अब चाइना में जाके भी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कटोरा फैला दिया। तो पाक मीडिया में अब एक चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ लोन पे ही चलेगा, क्योंकि बहुत से देशों के आगे अभी इन्होंने आगे प्लानिंग में रखा है कि किस किस देश से भीख लेनी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की खुद की कोई हैसियत ना होगी और ये सिर्फ और सिर्फ लोन पे आ चुके हैं। तो अभी इमरान खान भी कहीं ना कहीं लोन के पीछे ही भाग रहा है, चाहे वो IMF हो, चाहे चाइना हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, ये पाक मीडिया भी अब डिस्कशन कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सीधे के इमरान खान साहब एक बार फिर चाइना पहुंचे और वहां से लोन उन्होंने पकड़ लिया है और अब इसके अलावा ये जो है USA यानी IMF से भी जो है वो लोन लिया जा रहा है और साथ साथ रशिया चाइना और कागजिस्तान से लोन तकरीबन $5 बिलियन का लोन पाकिस्तान ले रहा है। सर वापस कौन करेगा? मैं इसको समझ नहीं आ रही, कहां से शुरू करूं। खास आप जा रहे हैं चाइना और जहां जाते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, कई दाढ़ी मूछों के बगैर हैं और कई ऐसे माँ बाप के हैं जिन्होंने माँ बाप ने घरों से निकाल दिए थे और मैंने संभाले हुए हैं, अल्लाह के नाम पे इनके लिए कुछ दे दें। इनको मैंने $1 बिलियन दे के तो इनको UK या कैनेडा में सेटल करना है, यही है। और इसके अलावा कौम के लिए तो कुछ नहीं मांगा जा रहा। कौम के लिए तो जो बाहर से पैसा जाता है वो भी खा पी जाता है। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वजीर आजम फंड से जिस तरह 120 अरब रुपया उड़ा है उसका जवाब बल्कि IMF ने उगलवाया आपसे, वरना तो आप वो भी जवाब नहीं देते थे। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पाकिस्तान नहीं जाएगा ये पैसा, ये तो सबको पता है, ढकी छुपी बात नहीं है। ये दुबई, लंदन, कैनेडा और अमेरिका में आएगा पैसा। और खान साहब की बिल्कुल यही वहां जाके होगा कि मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, छोटे छोटे वजीर हैं, इनको देते पैसे। देखिये मैं अब इस पे आना चाहूंगा कि इसमें हुआ क्या, कहा हो क्या, हो क्या है। देखिये पहले बाइडन साहब की कॉल का इंतजार होता रहा, उन्होंने कॉल नहीं की। आपने IMF के दफ्तर के बाहर आके आपके वजीर एक महीने में चार चार आए, नाक से लकीरें निकाली, फिर वहां से सऊदीया से पैसे मांगे। और अब आप जिस तरह आप दूसरे कर्जों की बातें कर रही है तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं मांगे जा रहे, ये लंदन में प्रॉपर्टियां और दुबई के लिए मांगी जा रही है चीजें। अब चाइना की तरफ कहूंगा कि चाइना नाराज है आपसे। चाइना आपका ये जो ट्रिप था हमारे जनाब हिज एक्सीलेंसी का, ये बायलैटरल नहीं था, ये सिर्फ एक आप विंडो देखी जा रही थी किस तरीके से मिनटें तरले किए जाए और वहां जाने का बहाना बनाया जाए और वो ओलंपिक के लिए किया गया। और उनको जरूरत थी क्योंकि इस वक्त अमेरिका और आपका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट कर रखा है, वहां से कोई डिग्नेटरी नहीं जा रहे वहां पे, तो उन्हें जरूरत थी। तो आपने उस विंडो को कैश कराने की कोशिश की, आप वहां जाना है आपने, और उसके लिए यहाँ पे काम होता रहा। पहले 37 रेगुलेशंस को डीरेगुलेट किया गया, एक नाकाम किस्म की वन विंडो जो नाम आपने दिया हुआ है, जिस तरह CDA की वन विंडो काम नहीं कर रही उसी तरह की एक वन विंडो फिर खोली गई कि हर 15 दिन के बाद वजीर आजम साहब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो इस तरह का लॉलीपॉप चाइनीज को दिया गया। हालांकि दासू जो वाकया था और क्वेटा में जो अटैक था, इसकी वजह से आपकी चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन नाराज थी। आपने जिस तरीके से उनको पैसे लगा के यहाँ पे घसीटा CPAC को, CPAC के ऊपर आपके NAB की दस्तरस मौजूद नहीं है, इसी तरह के और कवानीन है जहां करप्शन को प्रमोट किया जाता है वहां CPAC के खाबे खाने के लिए। तो इसमें एक जो ट्रिप बनाया गया कि जाए देखे कोई और पैसा निकला है वहां से, तो ये खैरात मांगने का एक सोच तो वहां पे जाया जा रहा है। अब मैं चाइना की तरफ आना चाहूंगा कि चाइना में इसके एक तो वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल स्नो फॉलिंग करनी है जो कि एनवायरमेंट के खिलाफ है, गलत है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को एतराज है उस पर। दूसरा, मैं उन्होंने एक बबल सिटी बनाया था जिसके बारे में उनका क्लेम था चाइना का कि ये कोविड फ्री होगा, वहां पे 200 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। और इसी तरह की और चीजें चाइना कर रहा है अपनी गुडविल को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कोविड के इम्पैक्ट की वजह से चाइनीज इकॉनमी भी खराब है।
यहाँ एक और सोर्स आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब ने एक ह्यूज लिस्ट दी थी उनको कि मैं अबू जरा अपने छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आना चाहूंगा, तो उन्होंने वो मना कर दिया। उन्होंने कहा चार वजीर लेकर आए, हम चार वजीरों को ही पैसे दे देंगे, आप ज्यादा ये जो है दरबार ना अपना लेकर आए साथ। और एक और बात है इसमें कि प्रेसिडेंट शी जो प्रीमियर शी है वो नहीं मिलता, एक और समाप्त करने का तरीका कार है। इन्होंने बहुत की और वहां के प्रेसिडेंट मिलेंगे और वो प्रेसिडेंट इसी तरह के जिस तरह के हमारे आरिफ अलवी साहब, तो वो एक लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान आइसोलेटेड है, तन्हाई का शिकार है, तो ये एक इम्प्रेशन कायम किया जाएगा कि देखें हमने इतना पैसा भी ले लिया, चाइना भी गए हैं, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी इतनी दोस्ती उधार है, ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ है कि आपकी चाइना की इंडिया के साथ दुश्मनी। अगर एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे इंडिया के साथ उनकी दुश्मनी ना होती तो फिर क्या हालात होते आपके। बिल्कुल आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि वो बहरे हैं, अंधे हैं चाइनीज? आप 140वें नंबर है करप्शन में, तो उन्हें पता नहीं है कि आप कितने रिलायबल हैं, आप करप्शन में किस तरह डूबे हुए हैं, आप किस तरीके से डबल गेम खेलते हैं, आपका क्या ख्याल है? वो बहरे और अंधे हैं चाइनीज? ये मैं मानता हूं कि वो चीज इजाद नहीं कर सकते, वो ढंग का आईफोन भी ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकते, लेकिन इतने भी अंधे ना समझे उनको। उनकी हर चीज जो है वो फाइनेंशियल होती है, वो कर्जा देते हैं तो सूद इतना लेते हैं कि अगर वापस करना हो तो करना, तो अभी तक कोई भी बनाना रिपब्लिक अभी तक उनका कर्जा वापस नहीं कर सकी, उन्होंने असासे ही दिए हैं उनको। आपने भी असासे दे के जान छुड़ा रही है उनसे, ग्वादर और कराची आपने लिख के उनको दे दिया है, वो लेंगे, उनको रिकवरी आती है, श्रीलंका में उन्होंने रिकवरी ले ली है, जिबूती में उनको रिकवरी लेंगे, उन्हें पता है कि ये जो कॉर्प कंट्रीज का डील किस तरह करता है, क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा है करप्शन। मैंने बहुत अरसा पहले एक किताब पढ़ ली थी जिसका नाम है चाइना इंक, देखें आपके, मैं आपके देखने पर वो कहूंगा कि करप्शन की स्टोरियों से भरा पड़ा है, इस वक्त किताबें लिखी जा चुकी चाइना की करप्शन पे, क्योंकि नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जैसे दुनिया को हम देख रहे हैं कि बदलती जा रही है, चाहे वो इसराइल को एक्सेप्ट करना हो, इसराइल के साथ डील करना हो जिसमें इस्लामिक कंट्रीज भी आ गए हैं, चाहे सऊदी अरब हो या यूएई हो, तो कोई पता नहीं कब चाइना और इंडिया की भी आपस में टेंशन खत्म हो जाए, तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तो चाइना सिर्फ इसी वजह से इनके साथ है। लेकिन एक चीज और है सर, मोईन यूसुफ साहब अफगानिस्तान गए, कोई खास उनके उनको भी वेलकम नहीं मिला है, वहां भी सुना यही गया है कोल्ड शोल्डर मिला इनको, तो क्या आप समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई इनको कि ये वहां पहुंचे हैं? इसके आरजू मैं जो मजीद एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मेरी हर एक जो मैं बात करता हूँ वो रेफरेंस बेस होती है, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं होती। अभी तक भी जो मैंने कहा है, जो चाइना के बारे में भी बोला हूं मैं, उसमें एक एक चीज बेस्ड ऑन रेफरेंस। अब मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, कल परसों छपा है, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर ईरान, कतर और भारत पाकिस्तान से अपनी सफारतखानी में और अपने इन्फ्लुएंस में आगे निकल चुका है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की ओपिनियन है। अब मैं उसको ये सपोर्ट ये करना चाहूंगा कि मैंने जब ये पढ़ा, रिसर्च की कि हमारे एनएसए मोईन यूसुफ साहब वहां पे क्यों गए हैं, तो मैं फिर हैरान हुआ कि वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन सिक्योरिटी की बात वहां नहीं की गई, क्योंकि वहां हकानी साहब उनसे नहीं मिले। अब वहां पे करने क्या गए? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां एग्रीकल्चर को प्रमोट करने और एजुकेशन को प्रमोट करने गए। अब मेरा सवाल दूसरा साथ ये होगा, और मेरे भाई अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने गए हो तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर तो बंद पड़ी है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हो लेकिन गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसानों को यूरिया तो मिल नहीं रही, तो पठानों को क्या मशवरा दोगे? अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने गए हो तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर तो बंद पड़ी है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हो लेकिन गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसानों को यूरिया तो मिल नहीं रही, तो पठानों को क्या मशवरा दोगे भाई? अगर आप खुद अपने घर में फेल हो तो लोगों को फेल होने का मशवरा देने जाओगे? और एजुकेशन सिस्टम आपका अपना खत्म हो चुका है, आपके सारे शराबियों और एलीट क्लास के बच्चे सारे तो लंदन और अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो आप पठानों को यह बताने गए हो कि लंदन किस तरह बच्चे भेजने, या ये सिखाने गए हो कि बच्चों को कनाडा किस तरह भेजना, या कैनेडियन सिटीजनशिप किस तरह लेनी? क्योंकि मोईन यूसुफ साहब तो खुद अमेरिका के पढ़े हुए हैं, खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या सिटीजन हैं,
लेकिन सर एक सेकंड मैं आपको सॉरी रोक रही हूँ, लेकिन सर आपकी बात से मुझे याद आया, आपने कनाडा का नाम लिया, तो इमरान खान साहब का तो कहना है कि कनाडा में 40% लोग बड़ी मुश्किलों में हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है। अभी उन्होंने जो तकरीर की, खान साहब मैं कहता हूँ खान साहब खुदा रहा, आपने सारे मुल्क को क्वाटी चप्पलें पहना दी, शलवारें कमीजें पहना दी, मिसालें आप ब्लूमबर्ग की देते हैं, मिसालें आप कनाडा की देते हैं, अपनी इकॉनमी को कंपेयर करते हैं। मैंने गुजारिश की थी अपने वजीर आजम हाउस के माली से, पूछ लें किसी दिन आप किसी दिन अपारा मार्केट रोक के किसी साइकिल वाले से, मोटरसाइकिल वाले से पूछ लें कि मेरा बच्चा तेरे महीना किस तरह गुजरता है। खान साहब आपको महंगाई नजर नहीं आती, आपका 100 से ज्यादा मशीर और वजीर सारा डॉलर और पाउंड जिनकी इनकम है उनको क्या पता महंगाई क्या होती। आप तो वो लोग हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले कि आटा नहीं मिलता केक खा लिया करो, रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ। भाई आप तो केक ना पाकिस्तान को दो खुदा रहा, मैं हमेशा आज भी दुआ करूंगा या मेरे मालिक पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर दे जिसका जीना मरना वहां हो, बच्चे उसके वहां हो, वही बचा सकेगा। ये डॉलरों पाउंडों वाले आपके इंपोर्टेड जो है, देखिए पाकिस्तानी कौम इंपोर्टेड चीजों में इतना बिजी हुई, पहले इन्होंने इंपोर्टेड कपड़े खरीदे, घड़ियां खरीदी, अब लीडर भी सारे इंपोर्टेड। नहीं सर बिल्कुल, यहाँ पे तो खैर ये एक कॉम्प्लेक्स है हम यहाँ पे पाकिस्तानियों में कि जी इम्पोर्टेड चीजों का, इसीलिए शायद लीडर भी वही लेकर आ गए। लेकिन सर साथ ही अगर हम बात करें अपोजिशन की, क्या अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं अभी, एक कोई कह रहा है मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मैं 23 मार्च को जो है वो निकालूंगा जलसा जुलूस करूंगा, और इसी तरह से बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो फरवरी की कोई डेट दी हुई है, और साथ सभी कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब ने रिजाइन किया है और उस वक्त वो गायब हो गए थे जब वो बिल पेश किया गया था कि जी ये हमारा स्टेट बैंक एक हुआ करता था जो अब आईएमएफ को हमने गिफ्ट कर दिया है। देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब, मैं बड़ी हंसी आई मुझे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक तो रिजाइन दिया तो जो कपड़े पहने हुए थे सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे, खुद दादा और नाना है और उनके सर पे एक भी बाल सफेद नहीं था, बड़ी तैयारी करके आए हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब ये वजीर आजम थे तो किस तरीके से ये मेकअप करके डेली बेस पे घर से निकलते थे, फिर ये दूसरे बाहर दौरों पे जाते थे तो दिन के अंदर 3-3 किस्म के सूट चेंज करते थे, उसी तरीके से वो नजर आए हैं जिस तरह कोई सऊदी शहजादा हो, इस तरह वो आए। उन्होंने ब्लेम किया कि मुझे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिली, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस जुनाब ने फरमाई और उन्होंने कहा कि शायद मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैं इन्वॉल्व हो गया था गवर्नमेंट के साथ। और खुदारा अपनी हिस्ट्री तो भाई देख लो पहले, आपने तो टर्किश फर्स्ट लेडी का हार भी नहीं बख्शा था। बिल्कुल मैं भी वही कहने वाली थी आपको, वो किस तरह लग गए कि आपने हीरो का हार गायब कर दिया था इन्होंने। इन्होंने एंजेलिना जूली गई थी तो जिस तरीके से उसके साथ डील किया था, उसने वापस आके इंटरव्यू दिया था कि कंट्री मर रहा है भूख के साथ, जल्जले के साथ, और इनकी फैमिली ने मुझे किस तरह जहाजों में बैठ के मुझसे मिलने आए तस्वीरें बनाने, तो हजूर आप किस तरह लोग ये ना समझे कि आपने पैसे लिए होंगे। अब बताएं एक करंट होता है ना, रिप्यूट होती है, तो नजर आपके तो सारी जिंदगी आप जहां खड़े होंगे वो ये चीजें हार्ट करेंगी आपको, तो आप अब कह रहे हैं कि मुझ पे इल्जाम लगाया, इल्जाम मैं समझता हूं इल्जाम नहीं है, ये तो सच होगा। और तीसरा जो मैं आखिरी बात ये आरजू कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के करंट सिस्टम को समझना हो किसी ने, अल ऐलान मैं कहता हूं ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल पास हुआ है, जिस तरीके से अपोजिशन इन्वॉल्व हुई है इनके साथ, 6 आपके एडीएम के 6 सेनेटर थे, 2 पीपीपी के थे, अपोजिशन की अक्सरियत थी सेनेट में, जिस तरह पास हुआ है 2 चीजें इन्होंने रिजल्ट निकाली, मुझे किसी ने कहा या एटीएम इस्तेमाल हुई है इसमें सेनेट में या कहीं से काले थर्ड पार्टी ने की, तो ये इसका मतलब ये है कि आप पैसे और इन्फ्लुएंस के बाहर चले नहीं सकते, आपकी हर चीज फॉर सेल है, चाहे आप पैसे ले लेते हैं या इन्फ्लुएंस आपकी मजबूरियां आपकी फाइलें बन चुकी है, और इन चीजों पे आप कहीं भी पाकिस्तान के फायदे में फैसला नहीं कर सकते। ये सेनेट का बिल जो है ये प्रूव करता है कि अपोजिशन आपकी पाकिस्तान में डजंट एग्जिस्ट। हाँ एक चीज है कि करप्शन में अलायंस है आपकी हर पार्टी आपकी हकूमत।